नमस्कार, आप एक प्रथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नाजमा खातून जी। क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते थे और क्या खड़ा कर पाई हैं, ये तो हम उनसे जानेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू। तो उनसे जानेंगे डायरेक्टली कि वो कैसे बड़ी हुई और हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने क्या किया, उनसे हम लोग डायरेक्ट जानेंगे। आप कहिए दीदी। नमस्ते, मैं नाजमा खातून और मैं आज बताना चाहती हूँ कि लड़की जो होती है, ठीक है, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि लड़की बहुत कमज़ोर होती है और लड़की को पढ़ाना नहीं है, बाहर निकालना नहीं है, लेकिन उसके साथ कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा उनको इतना तैयार रखिए कि वो दुनिया से लड़ के आगे बढ़ सके। तो लड़की को कभी कमज़ोर मत समझिए और ये मत समझिए कि वो कुछ कर नहीं सकती है। तो उसको हमेशा हौसला दीजिए और हौसला सबसे पहले जिनका फ़र्ज़ बनता है वो है फैमिली। फैमिली में ही उनको सिखाइए कि कैसे लड़ना है, कैसे बाहर की दुनिया को देखना है और कैसे आगे बढ़ना है। मेरे जैसे हरगिज़ भी मत बनाइए कि घर के अंदर बंद करके रखना है, पढ़ाना नहीं है, कुछ सिखाना नहीं है, शादी करना है और घर करना है। मैंने देखा है कि मेरे जो फादर थे, मेरे जो अंकल हैं, ये लोग पढ़ाई के खिलाफ ज़रूर थे बट और सारे साइड इनके बहुत अच्छे थे। लड़कियों को बहुत इज्जत देना घर में, लड़कियों का पढ़ाई को छोड़ के बाकी एक ऐसा पोजीशन देना जो जेंट्स का होता है। जब मैं शादी करके गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लड़कियों का पढ़ना तो गुनाह है ही, साथ में लड़कियों का जेंट्स के बराबरी करना भी गुनाह है। वहाँ पे पहले मर्द खाना खाएंगे, फिर औरतें खाना खाएंगी। पूरा पर्दा, किसी के सामने नहीं जाना है, बात नहीं करना है, अपना ओपिनियन नहीं बताना है, अपना प्रॉब्लम नहीं बताना है। तो ये सारे चीज़ जो है मैंने देखा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। प्लस वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना नहीं चाहती, बट मेरे लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। एक चीज़ अच्छा था कि मेरे फैमिली का सपोर्ट था कि अब तुम्हारा वहाँ पे रह नहीं सकते हो, तुमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा, तो तुम वापस आ जाओ। मैं वापस भी आ गई बट वापस आने के बाद मैं क्या करती। आप कितना दूर पढ़ी लिखी थी? मैं क्लास 10 पास थी इंग्लिश मीडियम से। तो वो एक्चुअली मेरे अगेंस्ट में मेरे पापा मम्मी नहीं थे, मेरा पापा मम्मी चाहते थे मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, बट हम लोग जॉइंट फैमिली थे और बहुत कोई था जहाँ पे ये था कि लड़कियाँ इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती है और ये सारे चीज़ें को लेके मैंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज के फैमिली प्रॉब्लम के वजह से और प्रेशर के वजह से। आप बोल रही थी आपके फैमिली में बहुत सारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे? हाँ, जैसे हमारे फैमिली में जितने मेल हैं सब एजुकेटेड हैं। अच्छा। बट फीमेल एजुकेटेड नहीं है। अच्छा। तो तब ये रिवाज था कि मर्द पढ़ सकते हैं, औरतें ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। तब तो मतलब कौन सा साल का आप बात कर रहे हैं? ये ज़्यादा साल का नहीं, मैं आपको बता रही हूँ 85। हाँ, मैं 30-35 साल पहले। और रिश्ता अगर आ गया है, अच्छे जगह से आ गया, तो पहले शादी करा दो। तो तब ये सोच था। और रिश्ता आते साथ ही लड़कियों का 18 साल में हमारे फैमिली में शादी हो जाती थी। आपके घर में क्या पर्दा प्रथा था? हाँ, आपके मम्मी बहुत थी वो? मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत पर्दा में रही है। मेरे जो और भी आंटी थी जो भी थे, तो सारे लोग ही पर्दा में रहे, हम लोग भी हमेशा पर्दा में रहे। शादी के बाद बाहर निकले, बाहर निकले मतलब अपने घर से ससुराल गए। बाहर की दुनिया हम लोगों को नहीं पता था और बाहर के लोगों के साथ में डील करना नहीं पता था, बात करना तक नहीं पता था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हर मदर को, अगर फादर अगेंस्ट भी है ना, तो माँ लड़ के खड़ी हो और अपने बच्चे को, स्पेशली डॉटर को, बहुत हाई एजुकेशन दें और दुनिया दिखाएं, दुनिया समझाएं। मतलब कितना दूर जाना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जब तक कि वो अपने पैर में खड़ी ना हो जाए। अब तो 10 तक पास करके खड़ी हो गई, तो मैंने बहुत स्ट्रगल करके खड़ी हुई हूँ। मेरा ये सोच, देखिए, जब एजुकेशन नहीं होता है तो आपको अच्छी पोजीशन तो नहीं मिलती है। अच्छा पोजीशन का मतलब? अच्छे पोजीशन का मतलब होता है कि जब आप शुरुआत करते हो, जैसे अगर आप एजुकेटेड हो तो मे बी आप एक बैंक में मैनेजर बन सकते हो, राइट?
मेरा सोच है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, मे भी अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे पता होता नहीं पढ़ने लिखने के बाद भी स्ट्रगल करना है। बट मैं सोचती हूँ अगर मैं एजुकेटेड होती तो मैं एक बैंक में मैनेजर होती, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी तो बहुत अच्छा है। तो एज अ हेल्पर तो मैं स्टार्ट नहीं करती, नहीं मिला। तो मेरा ये गुस्सा है कि मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मैं जिस जगह में बैठी हूँ, ये मैं लड़ के मेहनत करके दुनिया से बगावत करके बैठी हूँ, हो सकता तब मुझे इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ता जितना स्ट्रगल मैंने किया। मुझे एज अ हेल्पर काम करना पड़ा, लोगों का बात सुनना पड़ा, और एवरी डे ना चाहते हुए भी मुझे एवरी डे जॉब में जाना पड़ा, क्योंकि अपना रेपुटेशन बनाने के लिए सबसे पहला है कि आप जहाँ जॉब करें वहाँ एब्सेंट नहीं कर सकते, तो फिर और आपका ओहदा नीचे हो जाता है। तो मुझे बहुत कुछ अपने ऊपर में झेलना पड़ा। अगर मैं एजुकेटेड होती तो मैं एक टीचर होती, अच्छे कोई स्कूल में टीचर होती। टीचर का जो जॉब है वो बहुत शॉर्ट टाइम, आप सुबह 10 बजे जाओ, 5 बजे आप फ्री हो गए। बट मेरा जो मतलब के फील्ड मैंने चुना, ये मैंने अपने मर्जी से चुना। मेरा ये चाहत था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं, अपना पार्लर करूं, बट यहाँ तक इतना आसानी से तो नहीं आई हूँ। चुना मैंने ठीक है कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करूं, ये काम में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो मैं अच्छे से सीख सकूँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं पता चला, एज अ एक पार्लर में भी जाके पता चला कि पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे भी 10 तरह के कस्टमर्स आते थे, एजुकेटेड लोग आते थे, तो कस्टमर भी पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन कितना है। अच्छा। कस्टमर भी बोलते हैं आपको इस प्रोडक्ट का नॉलेज है तो आप कहाँ से सीखी, आपका कितना क्वालिफिकेशंस है। तो ये सारा चीज़ फेस करना पड़ता है। आपको एक कस्टमर भी पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन कितना है, क्योंकि कस्टमर को ये डाउट रहता है कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या काम करोगे मेरा। मैं स्टार्ट की हूँ 2001 से। अच्छा, आप कितना सैलरी था अभी वहाँ पर? 400। 400 जब मैं स्टार्टिंग जॉब में लगी, क्योंकि जब मेरा डाइवोर्स हुआ तो एट दैट टाइम मेरी डॉटर 7 मंथ की थी। अच्छा। तो उस वक्त मैं 3-4 मंथ में घर पे रही और मैं डिप्रेशन में आ गई थी कि कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा, इतना कम एज में मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरी बेटी इतनी छोटी है, और कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, ये सोचते मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर मैं सोचती थी अगर मैं डिप्रेशन में चले गई, मैं अपने बारे में ही सिर्फ सोचती रही, तो फिर इसका क्या होगा जो मेरी डॉटर थी। तो वहाँ से मैंने लड़ना शुरू किया खुद से पहले कि अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालो। जो तुम्हारे साथ हुआ मैं भी वो तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारे साथ लिखा था, तो इसको लिखा समझ के भूल के इस चीज़ से बाहर निकलो। इस चीज़ से बाहर निकलो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी बेटी के साथ ना हो। जो जो गैप तुम्हारे लाइफ में रहा, जो जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा बहुत कम एज में शादी हो गया, तुम्हारे पास एजुकेशन कम है, तुम्हारे पास ऐसे फैमिली नहीं है जो बहुत मॉडर्न हो, बहुत मॉडर्न सोच रखता हो कि लड़कियां बाहर निकले, दुनिया देखे, तो ये सारे चीज़ें जो है ना अपने ऊपर जो हुआ है इसको ख़त्म करके ये सारे चीज़ को अब तुम ऊपर ले जाओ। तो मैंने अपनी बेटी को देखा और ये सोचा कि इसे वो सब कुछ मुझे देना है जो मुझे नहीं मिला, और जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ ना हो। तो वहाँ से मैंने जॉब करना शुरू किया। लेकिन आज के डेट में और आज से 20 साल पहले भी जॉब का मिलना इतना आसानी नहीं था। जॉब के पाने के लिए, जब मैं जॉब के लिए गई तो मुझे पता चला कि आपको किसी का रेफरेंस की ज़रूरत है। आप कौन हो वो तो आपको नहीं पहचानती, तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको अपना पहचान बनाना है, अपना एक गुडविल दिखाना है। तो आप इस तो सेलो के बिजनेस में आप कैसे आए? मैंने मुझे तो काम सिखाया गया था ना? नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे बचपन से इस काम के ऊपर में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा दादाजी का सैलून था। अच्छा। मेरे दादाजी इसी फील्ड से है, तो उनको काम करता देख के मतलब वो बाल काटते थे सिर्फ या पूरा? वो बाल काटते थे, वो सिर्फ बाल काटते थे, वो सलोन लाइन से थे, और हम लोग का मुंबई में कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनका भी सलोन था, तो वहाँ पे बहुत किसी को, फिल्म स्टार को और बहुत किसी को आता हुआ देख के, तो एक ग्लैमर वर्ल्ड में मेरा हमेशा से
वो चाहता कि चाहता कि हम कोई ऐसा वर्ल्ड में जाएं जहां सब मुझे पहचाने। तो ये बचपन से मेरे अंदर था। उसके बाद में जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ करना है, कुछ शुरुआत करना है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ शुरुआत करूं, कुछ अर्न करूं, जिससे मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दूं। तो मैंने ये फील्ड अपनी मर्जी से चुना। तो उसके बाद आप इस सब हो जाने के बाद आप हेल्पर हाँ, के हिसाब से क्योंकि मैंने इस फील्ड को जब चुना तो इस फील्ड में सबसे स्टार्टिंग मुझे एज अ हेल्पर एक पार्लर ने अपॉइंट किया किसी के रेफरेंस के थ्रू। अच्छा। डायरेक्टली मैं नहीं जा पाई क्योंकि डायरेक्टली मुझे कोई नहीं पहचानता था, आप कौन हो, कहाँ से आए, आपका क्या बैकग्राउंड है। तो मेरी आंटी, मेरी अपनी मासी जो है, उनका फ्रेंड का पार्लर था, तो वो मुझे ले गई, क्योंकि मेरे जो मम्मी का फैमिली है बहुत मॉडर्न थे। अच्छा। उन लोग लड़कियों को, तो मेरी मम्मी तो शादी करके यहाँ आ गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लोग मॉडर्न थे, लड़कियों को थोड़ा बाहर निकलना, थोड़ा घूमना और लोगों से मिलना, ये सारे चीज़ वहाँ पे मैंने देखा था। तो मैंने मेरी आंटी को जब बोला तो वो बोली कि ठीक है, तुमको अगर जॉब करना है और इसी फील्ड में करना, मेरी एक फ्रेंड है। तो वो मुझे लेके गई, मुझे वहाँ जॉब मिला ओनली 400 मंथ एज अ हेल्पर। लेकिन मैंने सोचा कि 400 ये हो सकता है आज बहुत कम है, लेकिन अगर मैं मेहनत से काम करूँ तो कल ये ग्रो करेगा। कितना दिन कंटिन्यू किया हेल्पर के हिसाब से? मैं ज़्यादा नहीं, 1.5 ईयर्स, क्योंकि मैं एज अ हेल्पर जिस पार्लर में 1.5 ईयर्स रही, तो उनको ये समझ में आया ये लड़की बहुत आगे जा सकती है, बहुत मेहनती है, बहुत काम सीख सकती है। तो उन्होंने मुझे खुद हर चीज़ सिखाया, क्योंकि कोर्स जब मैंने किया था, कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको किसी भी काम के लिए प्रैक्टिकल का ज़रूरत होता है। तो वो मुझे बढ़ावा दी, क्योंकि उनको लगा ये बहुत आगे जाएगी, तो वो मुझे काम सिखाई, आगे बढ़ाई। वो खुद ही मुझे एडवाइस दी कि अभी यहाँ से तुम्हारा इतना ही मतलब स्टॉप हो जाएगा, और तुमको काम सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उनके रेफरेंस से फिर मैं एक और पार्लर में गई, 4 ईयर्स में उनके पास काम की। उन्होंने खुद ही आपको? हाँ हाँ, उनके साथ मेरा रिलेशन बॉन्डिंग इतना अच्छा बन गया कि एज अ मदर वो मुझे गाइड करने लगी। मैंने ऐसा था कि मैंने आप वहाँ पर काम सीख के यहाँ पर आओ? नहीं, कुछ हेल्प वो मुझे नहीं, वो मुझे बोली कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, आप बाहर चले जाओ, वहाँ पर जाके सीख लो, कि अपना फ्यूचर यहाँ, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन हम चाहते तुम और कुछ सीखो, खुद भी सीखो, मुझे भी बताओ। अच्छा। क्योंकि तुम अगर कुछ सीखोगे तो मुझे भी बता पाओगे। तो वहाँ पर सीख के आप यहाँ पर काम करने? हाँ, वहाँ पे मैं सीख ली, वहाँ पे मैं काम 4 साल की, उसके बाद मुझे चांस मिल गया एक और अच्छे पार्लर में। वहाँ मुझे जाते साथ ही काम मेरा देख के वो लोग रख लिए, वो लॉरियल पार्लर था। तो मैं वहाँ पे जॉब भी करती थी, फिर इनके पास भी आके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती थी, फिर जो वहाँ से सीखा इनको भी आके बताती थी। तो उनके साथ मेरा रिलेशन आज भी बहुत अच्छा है, 20 ईयर्स हो गया, मगर अभी भी वो मेरे पास आती है, मैं उनके पास जाती हूँ। 20 साल आप इस फील्ड में काम कर चुकी हैं? मैं नौकरी कर चुकी, जॉब कर चुकी हूँ, हेल्पर से, मैं हेल्पर से ब्यूटिशियन बनी, ब्यूटिशियन से हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर से मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद प्रोवाइडर। हाँ, तो आपका लास्ट डेजिग्नेशन क्या था एज अ? मैं एज अ मैनेजर, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। लास्ट सैलरी मेरा था 35,000। अच्छा, माने आप ये बिजनेस स्टार्ट किए 2019 में? हाँ, 2019 में। मैं 2018 में मेरा जो मतलब कि पार्लर, फिर मुझे अपना पार्लर करना था, तो जब मैंने सोचा अपना पार्लर करना है, तो जहाँ पे मैं काम करती थी मैंने उनको बताया कि, तो वो बोली हाँ ये तो हम लोग को पहले से पता था, तुम एक ना एक दिन अपना करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो लगन है, जो मेहनत करते हो, तो अपना तो लेकिन इतना जल्दी कर लोगे मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा इतना जल्दी कहाँ, 20 ईयर्स तो हो गया। तो आपका बेटी का पढ़ाई भी आपने वो? मैंने पूरा मैंने पैसा लेके आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया ओनली 4 लाख रुपीस लेके, माने ये जो, क्योंकि मैं आपके सामने, ये भी तो आपने खुद हाथों से बनाया? एकदम अपने हाथों से बनाया। जगह का रेंट का है, लेकिन ये जो बिल्डिंग पूरा ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मैदान था, यहाँ कुछ नहीं था। मेरा कजन भाई है जो मुझे पूरा हेल्प किया, मेरा सपोर्ट बने, क्योंकि मेरा बैकबोन बने, क्योंकि जब मैंने कहा कि मुझे अपना पार्लर करना है, तो बोले ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इतना बोलना बहुत था, फिर वो मुझे पूरा सपोर्ट किए, क्योंकि उनको ये पता चला कि हाँ ये कुछ कर सकती है, 20 साल इतना मेहनत की,
फिर ये उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा एज अ फाइनेंशियली, अच्छा, बट बाकी जो है वो सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जब मैंने ये जगह लिया तो ये पूरा खंडर था, उस वक्त मैं कैलकुलेशन जो मैं करी थी तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए था इसको बनाने के लिए, okay. और मेरे पास अमाउंट जो था वो बहुत लिमिटेड था, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोई इंटीरियर से काम नहीं करवाऊंगी, मैं खुद बखुद इसको डिज़ाइन करूंगी, मैं खुद मार्केट से प्रोडक्ट लाऊंगी और ला के खुद बखुद इसको बनाऊंगी। टच वुड, ऊपर वाले का कृपा है, 7 लोग काम करते हैं, 7 स्टाफ है मेरे, जिसमें 2 तो मेरी, एक मेरी खुद की सिस्टर है बड़ी और एक कज़न सिस्टर है। क्योंकि जब ये फील्ड में मुझे आना था, अपना पार्लर खोलना था, तो तभी मेरा माइंड क्लिक किया कि स्टाफ के भरोसे पार्लर तो नहीं चला सकते, स्टाफ आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो एट दैट टाइम मैं अपने खुद की सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को पूरा रेडी की, उनको ब्यूटिशन सिखाया, उनको हेयर ड्रेसर बनाया, मेरी एक कज़न है उनको ब्यूटिशन बनाया, 4-5 साल मैंने अपने साथ में जहाँ जॉब करती थी वहाँ उन लोग को रख के काम सिखाया, क्योंकि मुझे पार्लर करना था और मैं स्टाफ के भरोसे पार्लर नहीं खोल सकती थी, क्योंकि स्टाफ किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पैसा कहीं भी आपको मिला तो, और सबको अपने बारे में सोचने का हक है, अगर मैं आपको जो पैसे दे रही हूँ उससे ज़्यादा कोई दे रहा है तो मैं खुद भी चाहूँगी आप जाएँ, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपका डिसीजन हो सकता है। फिर मैं ये पार्लर बना ली, बनाने के बाद अभी मेरे पास 7 स्टाफ काम करते हैं मेरी 2 सिस्टर को लेकर, तो यहाँ पे मैं अपने फैमिली जैसे सारे स्टाफ को लेके चलती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ, वो भी सारे बहुत अच्छे हैं, और मैं खुद उनको काम सिखाती हूँ और सिखा के काम करवाती हूँ उनसे, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी मेरी जो प्रोवाइडर थी उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, हर जगह वो मेरे लिए खड़े होती थी, जहाँ भी मैं अकेली हो जाती थी या कोई क्लाइंट मेरे साथ में गलत बिहेव करते थे तो वो मेरे लिए लड़ती थी, तो वो सारी चीज़ों को याद करते हुए मैं अपने स्टाफ के साथ में वैसे ही रिलेशन रखती हूँ। ऐसे कोई एग्जांपल हुआ कि आपके साथ? हाँ, क्योंकि मैं जब शुरू में काम ज्वाइन की थी तो मुझे काम अच्छे से नहीं आता था, क्योंकि मैंने तो कोर्स किया था, प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो एक काम मेरे से बिगड़ गया था, तो वो लेडी जो है, मेरा हेयर बहुत लंबा था तो मेरे हेयर ऐसे पकड़ के और सीज़र लेके और मेरा हेयर काटने गई थी कि तुमने मेरा आईब्रो ख़राब किया, मैं तुम्हारा हेयर पूरा काट दूँगी। तो उस जगह मेरी प्रोपाइटर मेरे माँ बन के मेरे साथ खड़ी हुई और वो क्लाइंट का हाथ पकड़ते हुए बोली कि मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ दूँगी अगर तुमने नाजमा का हेयर काटा तो, मुझे ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए जिसके वजह से मेरा बच्चा लोग का आँख में आंसू आए। तो इसीलिए मैं उनको देख के सीखी हूँ कि स्टाफ सिर्फ स्टाफ नहीं होता है, वो फैमिली होता है, तो उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। लाइफ में हमेशा रेडी रहिए, रेडी एज अ सेंस बोलते हैं कि अपने आप को इतना तैयार रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, तो एट दैट टाइम बात करना आना चाहिए। मैं हर लड़की को ये बोलूँगी, कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, बट डर के और बहुत तरह का प्रॉब्लम, डिप्रेशन में आके खुद को ख़त्म मत कीजिए। ज़िंदगी जीने का नाम है, आप चलेंगे तो रास्ता खुद बखुद मिलेगा और रास्ता मिलते जाएगा, और रास्ता अगर आप स्मूथली चल रहे हैं, डट के चल रहे हैं, तो मंजिल भी मिलेगा। ये मेरा दावा है कि अगर आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तो मंजिल ज़रूर मिलेगा। आज ये पार्लर जो मैंने खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं है बस पार्लर बहुत इजीली मैंने खड़ा कर दिया, मैं 20 साल चलती रही, स्ट्रगल करते रही, मेहनत करते रही, तो आज मैं एक जगह पहुंची हूं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हारे नहीं, कुछ भी हो जाए बातें करते रहें, मंजिल की तलाश करते रहें, चलते रहें, मेहनत करते रहें। क्लाइंट कैसे लाती हैं आप यहाँ पर? क्लाइंट जो मेरे हैं, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ तो मैं काम करती हूँ, कुछ तो क्लाइंट आपके वहाँ पर बन गए नहीं, एक्चुअली मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट है कि मैं क्लाइंट के साथ, मेरा फ्रेंडली नेचर बहुत रहा है, मैं हर क्लाइंट के साथ में बहुत जल्दी मिक्सडअप हो जाती हूँ और बातें करती हूँ, और फिर बात ही बात में क्लाइंट का दिल मेरे दिल से मिल जाता है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए,
काम तो फेशियल, हेयर कट, हेयर स्टाइल, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कर लेते हैं, बट मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो मेरे पास क्यों आए हैं। तो मैं बहुत डीपली उन तक पहुँच जाती हूँ, उनका क्या बजट है, उनको क्या चाहिए, कितने अमाउंट में वो कर सकते हैं और वो कितने बार मेरे पास आना पसंद करते हैं। तो ये सब कुछ सोचते हुए मैं उन तक पहुंचती हूँ, बातें करती हूँ, उनका व्यू जानती हूँ। और ऐसे करके जब फ्रेंडशिप हो जाता है, रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, आप काम कस्टमर, दूसरा कस्टमर भी लेके आए। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका काम अच्छा है, और बजट जो एक ले के चलते हैं इंसान, उनके बजट के हिसाब से आप क्वालिटी वर्क अगर दे रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास हमेशा रहेंगे, आपके लिए वो और 10 कस्टमर लेकर आएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मैं पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागती हूँ, मैं लोगों के साथ रिलेशन बनाने में ज़्यादा, आप क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, वहाँ से पैसा ज़्यादा, मैं मेहनत ज़्यादा करती हूँ, पैसा कम बनाती हूँ, लेकिन लोगों के साथ रिलेशन ज़्यादा बनाती हूँ। अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो आपको कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई इस लाइन में आना चाहे, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है ही? मेरे यहाँ पे अगर कोई इस लाइन में आना चाहे तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं जानना है, बस उसका जो नेचर है वो अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कोई सैलून के बारे में, उसको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, वो उसके पास पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप अगर पार्लर कर रहे हैं, आपको खुद काम जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि कस्टमर जो है ना, वो हमेशा प्रोपाइटर पे ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पे रहते हैं। क्योंकि उनको ये पता है कि ये प्रोपाइटर है, तो इन्हें सब पता होगा, और सब पता अगर होगा आपको, तो आपको काम करने में, कस्टमर को समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं पता है और आप चेयर में बैठे हैं और एक क्लाइंट आपसे कुछ क्वेश्चन कर दिया और आप आंसर नहीं दे पाए, तो वहीं पे आपका बिजनेस जो है ना, आपका एकदम ज़ीरो लेवल में आ जाएगा। काम आप बाद में कराइएगा, पहले आपको बात करना है, कस्टमर को आप अपने बात से सेटिस्फाइड करना है, फिर वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके काम कराएगा। अगर आप उसको बात करके सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो वो आपके पार्लर में आके 10 रुपये भी खर्च करने में झिझकेंगे। तो एज अ प्रोपराइटर काम जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं पार्लर हो सकता है आज से 10 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे मार्केटिंग समझना था, मार्केट जानना था, कस्टमर के बारे में पूरा पता करना था कि इनको एक्चुअली क्या चाहिए, इनका बिहेवियर जो है एक प्रोपराइटर के साथ में क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ समझने में, जानने में मुझे इतना लेट हुआ, नहीं तो मैं 10 इयर्स पहले भी कर सकती थी। अच्छा, कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। और ये 10 साल आपने और भी रिसर्च किया? मैंने मार्केट में पूरा रिसर्च किया, लोगों के साथ पहचान बनाया, और लोगों के साथ अपना ऐसा पहचान बनाया है कि लोग ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और बहुत दूर दूर से मेरे क्लाइंट्स के लिए कोई मैटर नहीं रखता कि मैं कहाँ बैठी हूँ। वो मेरे लिए हो सकता है कि साउथ से भी आएंगे, नॉर्थ से भी आएंगे, ईस्ट से भी आएंगे, वेस्ट से भी आएंगे। अगर दो मेरे पास 2 घंटा का रास्ता सफ़र करके लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नाज़मा के पास जाएंगे तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मार्केट को पूरा समझा है, काम को पूरा जाना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाया है, उसके बाद मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। ज़रूर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे लिए टाइम देने के लिए और इतना सीख देने के लिए कि कैसे कोई इंसान काम करना स्टार्ट करना चाहे। और अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो उनसे तो आप बात कर ही सकते हैं, और ज़रूर हमसे भी मुखातिब हो सकते हैं कि अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो उनके साथ कैसे बात करना चाहेंगे आप। तो आज यहाँ पर ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत सारे